बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेक्चर नंबर 26 इन्वेस्टमेंट जो है उसका पार्ट वन है। और जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो कंजम्पशन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के टाइप को, और इन्वेस्टमेंट का जो डिपेंड है जो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट का क्या डिपेंड होता है इन्वेस्टमेंट पे, क्या इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो लेक्चर कंटेंट्स जो है आज के लेक्चर के वो ये है, लीडिंग थ्योरीज टू एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो सबसे पहले जो है टाइप्स को डिस्कस करना है कि कितने टाइप्स हैं, उसके बाद जो जो थ्योरीज है उसको भी डिस्कस करना है। सेकेंड वन है, वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, के इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों डिक्रीज़ हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, इसको भी डिटेल से डिस्कस करना है। और जो थर्ड वन है, थिंग्स दैट शिफ्ट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और वो वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसको भी डिस्कस करना है। ये शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कितनी होती है। यहाँ पे देखें, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई जो बिजनेस है या एंटिटी है वो जो इक्विपमेंट पे, स्ट्रक्चर पे या बिल्डिंग के प्रोडक्शन पे जो पैसा खर्च करती है कोई भी एंटिटी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास है, बिजनेस स्पेंडिंग ऑन इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स फॉर यूज इन प्रोडक्शन। कौन सी स्पेंडिंग है, इक्विपमेंट के ऊपर जो स्पेंडिंग करते हैं कोई बिजनेस, या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, या कोई जो है बिल्डिंग वगैरह के ऊपर जिसकी जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो सेकेंड वन है वो है हमारे पास रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंट का मतलब ही आपको पता है कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जब कोई जो बिजनेस है, परचेजेस ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट इधर बाय ऑक्यूपेंट्स आर लैंडलॉर्ड, तो ये सिंपली वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जहाँ पे जो कोई इंडिविजुअल है या ऑक्यूपेंट्स है या लैंडलॉर्ड है, तो वो अपने लिए, ठीक है, या तो रहने के लिए कोई न्यू हाउस खरीदता है या फिर उसको जो है परचेज करके फ्यूचर में जो है उसको सेल करना चाहता है, ठीक है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जिसमें वो जो है हाउस जो है या फिर हाउस, लेट्स सपोज यहाँ पे हाउसिंग की जो है बात की गई है, ठीक है, जो वो अपने इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी के साथ या लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अपने लिए कोई जो है हाउस जो है वो परचेस करता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसको बेच के कुछ मुनाफा हासिल कर सके, तो ये है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो थर्ड वन है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का मतलब ये है यहाँ पे जो स्टॉक होती है, स्टॉक क्या होती है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कुछ जो चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं, वो अगले साल की जो है इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, स्टॉक में ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। ये है द वैल्यू ऑफ द चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स मटेरियल एंड सप्लाइज एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कि जब इन्वेंट्रीज में चेंजिंग आती है, ठीक है, तो लेट्स सपोज जो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, जो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, उसको वो पहले वाले के साथ जो है उनमें ऐड कर देते हैं, मतलब उसको कहते हैं स्टॉक में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या फिनिश्ड गुड की फॉर्म में भी हो सकती है, मटेरियल्स हो सकते हैं, सप्लाईज हो सकती हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होती है इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तीन टाइप्स को, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट
और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने बात की है कि जब इक्विपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है, या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर या उसके बिल्डिंग के ऊपर जो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है परचेजेस ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट जो है इधर बाई ऑक्यूपेंट्स आर लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड वन जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है, ठीक है, कि जिसमें जो फिनिश्ड गुड है या इन्वेंट्री जो है उसमें चेंजिंग आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जो हमने जो है इन्वेस्टमेंट की तीन टाइप्स को डिस्कस किया। अब ग्राफ के जरिए से भी इसको समझते हैं। ये है US इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स 1972 टू 2002 तक है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो Y एक्सिस पे है हमारे पास ईयर्स हैं, सॉरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और जो X एक्सिस पे है हमारे पास ईयर्स गिवन है 1970 से लेकर 2000 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये लाइनें नज़र आ रही है, ये किस कौन सी लाइन है, इसमें देखें जो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन शो कर रही है किस चीज़ को, टोटल इन्वेस्टमेंट को। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारे पास बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्कस किया, प्लस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये जो तीनों को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो ग्रीन लाइन है ये टोटल इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है यहाँ पे, और जो ये रेड लाइन है ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है, और जो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है। तो ये जो येलो लाइन है ये शो कर रही है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो अगर इन तीनों इन्वेस्टमेंट को जिसको हमने डिस्कस किया प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, पी है, पी यहाँ पे यूज़ हो रहा है पीक के लिए, ठीक है, और टी जो है ये थ्रू के लिए है, ठीक है, कि यहाँ पे पीक कब आ जाता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें 1976 की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे थ्रू हुआ है, इसका मतलब है डाउन हुआ है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट के डाउन होने से, ठीक है, जब एक इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से तीनों इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर एक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है, मतलब पीक पे चली जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से देखें यहाँ पे अगर 2000 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें ये देखें जो येलो लाइन है इन्वेंट्रीज़ की वो भी ऊपर गई है, और उसके अलावा ब्लू लाइन भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और देखें ये किसकी वजह से गई हैं, जबकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई। जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों इन्वेस्टमेंट है आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, कि एक में अगर इजाफा होता है, ठीक है, किसी एक इन्वेस्टमेंट में अगर इजाफा होता है तो उसकी वजह से तीनों में इजाफा होता है, ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है अगर एक में इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कहीं पे पीक पे हो कोई एक इन्वेस्टमेंट तो उसकी वजह से बाकी दो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और टोटल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर जाती है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है इसके जो कंपोनेंट्स है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखें द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि है द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। न्यू क्लासिकल मॉडल इन्वेस्टमेंट किसके बारे में है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें शोज हाउ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है ये इन्वेस्टमेंट पे इसका कैसे डिपेंड है। देखिए सबसे पहले है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वन यूनिट ऑफ कैपिटल को अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो आउटपुट में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। लेट सपोज 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन होती है 1000 यूनिट,
अब हम प्रोडक्शन जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 101 यूनिट ऑफ कैपिटल, तो उसकी वजह से जो आउटपुट है वो 1010 पे जो है पहुंच जाती है, ठीक है। वन यूनिट ऑफ कैपिटल के इंक्रीज करने से जो हमारे पास 10 यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गए, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, जब प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का आपस में पॉजिटिव जो है इसका रिलेशन है कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। अंदर हेड अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट, जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर जाए तो फिर जो है लोग क्या करते हैं, अपनी मनी को डिपॉजिट करना शुरू करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर दूसरी बात करें, अगर जो है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है गोज़ अप, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का जो है आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो थर्ड कंपोनेंट है वो है टैक्स रूल इफेक्टिंग फॉर्म्स, ठीक है। जो टैक्स रूल है, ठीक है, इसका क्या है कि अगर टैक्स रूल जो है, लेट सपोज गवर्नमेंट जो है वो ऐसे जो है रूल्स बनाती है, ठीक है, कि उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो डिस्करेज हो जाए, ठीक है, अगर वो डिस्करेज हो जाते हैं इनके टैक्स रूल से, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऐसे टैक्स रूल्स बनाए जो कि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर उनके फेवर में हो, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के फेवर में हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने बात की है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे पहले डिपेंड करते हैं आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट और टैक्स रूल्स अफेक्टिंग फॉर्म्स, ठीक है। इन तीनों को हमने डिस्कस किया है। अब जो है इन जो फर्म्स है उसको जो है हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, ठीक है। देखें, फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम टू टाइप्स ऑफ फर्म, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो फर्म है उसको हम सिंपल करने के लिए दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन फर्म और सेकेंड वन है रेंटल फर्म्स। प्रोडक्शन फर्म्स कौन सी फर्म्स होती है, ये वो फर्म होती है, ठीक है, जो कि कैपिटल जो है जो रेंट द कैपिटल दे यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो जो है ये वो फर्म होती है जो कैपिटल को रेंट करती है, ठीक है, और उस कैपिटल को जो है यूज़ करते हैं कि इसमें कैपिटल से वो जो है प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जो सेकेंड वन है रेंटल फर्म्स, रेंटल फर्म्स की जो है उसमें उनका अपना कैपिटल होता है, ठीक है, और वो जो है प्रोडक्शन फर्म्स को जो है अपना कैपिटल दे देती हैं, ठीक है, जो और उससे जो है वो प्रोडक्शन फर्म्स क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन फर्म और रेंटल फर्म में ये फ़र्क हो गया कि प्रोडक्शन फर्म जो है वो रेंटल फर्म के कैपिटल को जो है रेंट करती है, ठीक है, और उससे जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और जो रेंटल फर्म है उनका जो कैपिटल अपना होता है और जो वो प्रोडक्शन फर्म को जो है रेंट पे दे देती है, और क्या करती है, रेंटल फर्म्स प्रोडक्शन फर्म उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। अगर इस कंटेक्स्ट को देखें तो हमारे पास है, देखिए, इन दिस कंटेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज द रेंटल फर्म स्पेंडिंग ऑन अ न्यू कैपिटल गुड्स। अगर इस कंटेक्स्ट को देखें तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, ये रेंटल फर्म है, क्योंकि ये क्या है, इनके पास अपना जो है इन्वेस्टमेंट होती है और इसे वो न्यू कैपिटल गुड्स जो है वो ख़रीदते हैं, ठीक है, और वो फिर किसको दे देते हैं, प्रोडक्शन फर्म्स को, ठीक है, प्रोडक्शन फर्म को दे देते हैं, और उसे प्रोडक्शन फर्म्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जो ऊपर टू टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है, इसके रिजल्ट में हमने ये बात की है कि इन्वेस्टमेंट जो है ये रेंटल फर्म है,
ठीक है, जो के स्पेंड करते हैं न्यू कैपिटल गुड्स पे, ठीक है, न्यू कैपिटल गुड्स पे स्पेंड करने के बाद वो आगे रेंट आउट कर देती है किसको, प्रोडक्शन फर्म्स को। अब देखिए बात करते हैं द कैपिटल रेंटल मार्केट को, ठीक है, कि जो प्रोडक्शन फर्म मस्ट डिसाइड हाउ मच कैपिटल टू रेंट, ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि कैपिटल जो है उसको कितना हमें रेंट करना है, ठीक है। और सेकंड वन, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 3 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंपिटेटिव फर्म रेंट कैपिटल टू द पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर और पे रेंटल प्राइस, ठीक है, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो कम्पिटिटिव फर्म है वो तब तक जो है रेंट को, या जो है जो रेंट को इतने जो मोर वर्कर को हायर करेगी कि जब तक उसके जो रेंटल प्राइस है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के इक्वल ना आए। तो यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम जो है यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सप्लाई, तो उसमें हम सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो वाई एक्सिस पे है रेंटल रेट प्राइस है और आर और पी, और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास कैपिटल स्टॉक है जो कि, और इसमें देखिए हमारे पास के बार है, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है जो है कैपिटल सप्लाई, ठीक है, जो हमने पहले बात की है, जो फिक्स्ड है, जो हमारे पास गिवन हो तो उसकी जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो कैपिटल सप्लाई की हमारे पास ये लाइन है के बार की। और अगर हम बात करते हैं डिमांड की, ठीक है, कैपिटल डिमांड की अगर बात करें तो उसका यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव इसकी लाइन बनती है, ठीक है। तो कैपिटल डिमांड जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट है और सप्लाई का जो है सप्लाई यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जिस पॉइंट पे जो ए का यहाँ पे ए का नाम दिया है, ठीक है, जिस पॉइंट पे डिमांड कैपिटल मार्केट सॉरी कैपिटल डिमांड और कैपिटल सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के रेंटल प्राइस, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम रेंटल रेट है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे आर जो है आर नॉट ये शो करता है रियल रेंटल प्राइस को, ठीक है। तो अगर देखें हम यहाँ पे तो इससे ऊपर अगर जाएं तो हमारे पास जो है इसको अगर इंक्रीज करें तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेंटल रे जो जो रेंटल फर्म है, ठीक है, वो तब तक जो है वो हायर करेगी वर्कर्स को कि जब उस पॉइंट तक जिस के जब उसके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेंटल प्राइस के इक्वल ना आए। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेंटल प्राइस, अब हम उस फैक्टर उन फैक्टर को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से रेंटल प्राइस पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको तो जो है हम दोबारा जो है ड्राइव करेंगे, तो सब यहाँ पे जो है वो उस फैक्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो यहाँ इस पे यूज़ हुए हैं। सबसे पहले है के है, ठीक है, जो के कैपिटल है, और एल यहाँ पे यूज़ होता है लेबर के लिए, और ए जो है ये टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से रेंटल प्राइस में जो है इंक्रीज होती है। देखिए द इक्विलिब्रियम जो है आर और पी वुड इंक्रीज इफ, देखिए अगर कैपिटल डिक्रीज हो, किस वजह से, ड्यू टू जैसे कि अर्थवेक हो या वार हो गया, ठीक है, कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी, रेंटल प्राइस में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो और दूसरी बात जो है इंक्रीज इन लेबर, ठीक है, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ और इमिग्रेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेंटल प्राइस में इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड वन जो है अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाती है या डीरेगुलेशन आ जाती है तो उसमें भी रेंटल प्राइस भी जो है इक्विलिब्रियम रेंटल प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मतलब तीन कंपोनेंट्स है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन फंक्शन जो है या प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्शन की मतलब कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाती है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई चेंज आ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से रेंटल प्राइसेस भी इफेक्ट होता है और रेंटल प्राइसेस भी चेंज होती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट वन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसमें जो है आगे मज़ीद जो हम लेक्चर कंटेंट में बात की है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।